इंडियन जो वजीर हैं बराए एक्सटर्नल अफेयर्स जयशंकर वो पाकिस्तान में मौजूद हैं, उन्होंने अपने मुल्क की नुमाइंदगी की और यहाँ पर उन्होंने खिताब किया। लेकिन इस दौरान अजीब गरीब स्थिति भी देखने को मिली। भारत के विदेश मंत्री जब बोल रहे थे तब उनकी आवाज लाइव सुनी ही नहीं जा सकी। कहा जा रहा है जयशंकर की खरी खरी के डर से पाकिस्तान ने ये धूर्ततापूर्ण कदम उठाया। जयशंकर जब भाषण दे रहे थे तब पाकिस्तान के टेलीविजन ने समिट का लाइव बंद कर दिया। तो क्या इसका ये मतलब समझा जाए कि पाकिस्तान की सरकार भारत के सवालों को झेलने के लिए तैयार ही नहीं थी? जयशंकर के शब्दबाण इतने जबरदस्त थे कि पाकिस्तान की सरकार इसे लाइव करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। पर उनके भाषण को पाकिस्तान ने लाइव ही नहीं किया। ये जो उन्होंने SCO के इजलास में स्पीच की है इसके बारे में ये लिखा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि जो डॉक्टर जयशंकर है उन्होंने बड़ा अटैक किया है अपनी स्पीच में पाकिस्तान के। जयशंकर है डिफरेंट, बड़ा सख्त इनका मुसस्वाना रवैया है। इन्होंने जिस तरीके से बॉडी लैंग्वेज थी वो भी उनकी बहुत अग्रेसिव थी और फिर उन्होंने दहशतगर्दी की बात की, अलहदगी पसंदी की बात की, मतलब जाहिर है कि ये पाकिस्तान को इंडायरेक्टली कह रहा है। जयशंकर जो है जयशंकर वसीम ये भी अमित शाह वर्जन ही है, कोई प्रोग्रेसिव नहीं है। इनके ख्याल पाकिस्तान के बारे में ये भी उतने ही हिंदुत्व के डिक्लेयर्ड प्रीचर नहीं है लेकिन पॉलिसीज को सपोर्ट करते हैं, तो उनसे कोई अच्छाई की मुझे उम्मीद नहीं है। इतनी बड़ी जो सरबराह मुमलकत की गैदरिंग है वो अब ये इस शंघाई कॉन्फ्रेंस के अंदर पाकिस्तान के अंदर देखी जा रही है, जो पाकिस्तान का एक हक है, एक वाहिद हम दुनिया की 7th और मुस्लिम वर्ल्ड की वाहिद हम ताकत है जो न्यूक्लियर पावर है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का APGN चैनल पे। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। तो दोस्तों इस समय पाकिस्तानी मीडिया के अंदर डॉक्टर जयशंकर साहब के स्पीच काफ़ी वायरल हो रही है और उस पर डिस्कशन हो रही है कि किस तरह से डॉक्टर जयशंकर साहब ने पाकिस्तान के अंदर ही पाकिस्तान जाकर को खूब धोया है। लेकिन इसी के साथ एक हैरत अंगेज बात यह भी हुई है कि जब डॉक्टर जयशंकर साहब पाकिस्तान SCO में अपना भाषण दे रहे थे तो उसको लाइव सुना नहीं जा सका, क्योंकि एक तो जयशंकर साहब की जो आवाज़ है उसको काफ़ी डाउन कर दिया यानी कम कर दिया और उसके ऊपर पाकिस्तान की तरफ से उर्दू में कमेंट्री चला दी गई, जिसके कारण डॉक्टर जयशंकर साहब जो लाइव बोल रहे थे उसको सुना नहीं जा सका, जो कि काफ़ी एक स्ट्रेंज बात है। क्योंकि इसमें कोई शक नहीं कि न सिर्फ दुनिया बल्कि खुद पाकिस्तानी भी डॉक्टर जयशंकर साहब को पाकिस्तान के अंदर हो रहे SCO के अंदर लाइव सुनना चाहते थे, लेकिन पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने कुछ ऐसी हेर फेर की कि लिटरली डॉक्टर जयशंकर साहब की लाइव आप आवाज़ नहीं सुन सकते, क्योंकि अभी भी इंटरनेट पर मौजूद है और वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह से पाकिस्तानी कमेंटेटर ने उर्दू में ही डॉक्टर जयशंकर साहब के बोलते समय उर्दू में बोला जा रहा था। लेकिन फिर भी क्योंकि डॉक्टर जयशंकर साहब का स्टेटमेंट रिटेन भी था जो कि मीडिया के पास पहुंचा, जिस पे अब दुनिया भर के मीडिया भी बात कर रही है। तो दोस्तों आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की इस लेटेस्ट वीडियो को। SCO पर बहुत बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स हमारे सामने मौजूद हैं और ये आप देख रहे हैं इस वक्त डॉक्टर जयशंकर का चर्चा। तो आपको पता ही है जब से वो कल से पहुंचे हैं पाकिस्तान के अंदर हर तरफ डॉक्टर जयशंकर का चर्चा हो रहा है, लेकिन अब क्योंकि स्पीच भी हो गई है, SCO का वो दिन जिसका बहुत इंतजार किया जा रहा था, तो सबकी स्पीचेस हो चुकी हैं और इसमें डॉक्टर जयशंकर ने भी स्पीच की है। ये जो उन्होंने SCO के इजलास में स्पीच की है इसके बारे में ये लिखा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि इस स्पीच में उन्होंने चाइना और पाकिस्तान के लिए बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है। मैं अगर आपको इसका क्रक्स बता सकूं, स्पीच उनकी बहुत जबरदस्त है, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है। ही फोकस्ड हिज स्पीच ऑन रीजनल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड काउंटर टेररिज्म। उन्होंने कहा है कि इफ एक्टिविटीज अक्रॉस बॉर्डर्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म एंड सेपरेटिज्म, दे आर हार्डली लाइकली टू एनकरेज ट्रेड, energy flows, connectivity and people to people exchanges in parallel. ऐसे हालात जहां पर extremism होगा, जहां पर दहशतगर्दी हो रही होगी, तो ऐसे हालात ना तो trade फिर कर पाएंगे वो countries एक दूसरे के साथ और ना ही कोई people to people connectivity हो सकती। During his speech उन्होंने ये कहा कि importance of collaboration among member states to tackle common challenges and highlighted India's commitment to fostering stability and prosperity in the region. Jayashankar also discussed India's initiatives and contributions to the SCO's agenda. उन्होंने कहा कि need for a collective approach to ensure peace and development.
लेकिन इस अहम मामले पर, इस इशू पर जरा बात कर लेते हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। हारिस साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कहिएगा, जो तवक्को की जा रही थी, जिस तरह से चैमा गोइयां हो रही थी, एग्जैक्टली भारत ने अपना वही रोल प्ले किया है। लग ये रहा था कि कुछ शायद रवाबित बेहतर हो सकते हैं, लेकिन अपनी जो रिवायत है उसको बरकरार रखते हुए आज भी जहर उगलने की बार बार कोशिश की गई, और जो टोन थी उस वक्त बात करने की वो बहुत ज़्यादा उनकी जो थी वो हाईलाइट हुई है। जयशंकर है डिफरेंट, बड़ा सख्त इनका मुसाफाना रवैया है। इन्होंने अब जिस तरीके से बॉडी लैंग्वेज थी वो भी उनकी बहुत अग्रेसिव थी, और फिर उन्होंने दहशतगर्दी की बात की, अलहदगी पसंदी की बात की। मतलब जाहिर है कि ये पाकिस्तान को इंडायरेक्टली कह सकता है, लेकिन पाकिस्तान ने इस तक कोई बात नहीं की है। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि जयशंकर से कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कोई बात कर सकते हैं, जहर उगलने से ये बात नहीं आते हैं। और ये पाकिस्तान के खिलाफ जब बिलावल भुट्टो गए थे एससीओ में इंडिया में, तो वहाँ भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान बहुत बातें की थी, और पाकिस्तान ने बहुत अच्छा किया, अफगानिस्तान में बात की, अफगानिस्तान में टेररिज्म की बात की, बट पाकिस्तान नेवर मेंशन के अपने नेबर्स के बारे में बात नहीं की, इंडिया के बारे में बात नहीं की। हालांकि दुनिया को समझ आ गई होगी कि अफगानिस्तान में दहशतगर्दी कौन करवा रहा है। मैं समझता हूँ कि डॉक्टर जयशंकर ने जो बात की है उस बात का काफ़ी वजन है। एक तो उन्होंने जारी बात है मुबारकबाद दी है पाकिस्तान को फॉर होस्टिंग एन वंडरफुल अरेंजमेंट से आपके बहुत ज़्यादा। देखिए, पाकिस्तान पहली दफ़ा काफ़ी देर के बाद इस तरह कर रहा है, उन्होंने पाकिस्तान को मुबारकबाद भी दी, जो जारी बात है शंघाई तावन तंजीम के हवाले से सदारत पे मुबारकबाद पेश की, और कहा कि हम आपकी सदारत के ऊपर आपकी मुकम्मल हमायत का ऐलान करते हैं। तो ये एक एससीओ के हवाले से है, ठीक है। लेकिन उन्होंने जो दो मोटी इंपॉर्टेंट बातें की हैं, उन्होंने सप्लाई चेन का जिक्र किया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ डॉक्टर जयशंकर ने बात की है। सप्लाई चेन, ये पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की स्पीच में ये चीज़ मिसिंग है। मैंने इसके ऊपर आपको पता है पहले बात किया है कि इंडिया इज 1.4 बिलियन की मार्केट है, दे हैव इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट के मसले हैं, दे हैव टू इम्पोर्ट सो मच फॉर अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडिया, एंड दे हैव टू एक्सपोर्ट सो मच फॉर अ सस्टेनेबल सोशल सिक्योरिटी। और वो कैसे, किस चीज़ के ऊपर है, वो सारी मिडल ईस्ट के कॉन्फ्लिक्ट की बात कर रहे हैं। उनका जो मौकफ है उसको मैं भी करता हूँ, लेकिन दूसरी तरफ हम देखें जो उन्होंने इंपॉर्टेंट बात की, उन्होंने कहा, उन्होंने पाकिस्तान के वो क्या कहते हैं पोक करना, उन्होंने कहा, उन्होंने कहा जी वी शुड हैव एन ऑनेस्ट डिस्कशन। ऑनेस्ट इसका मतलब यह है कि वो कह रहे हैं कि हम ऑनेस्ट डिस्कशन नहीं करते, ईमानदाराना गुफ्तगू की जाए, और ये इस चीज़ को मेक श्योर किया जाए। ईमानदाराना गुफ्तगू से उनका डॉक्टर जयशंकर का क्या मुराद है? ऑब्वियसली ही इज टॉकिंग अबाउट टेररिज्म। इफ यू रियली वॉन्ट टू मूव ऑन, लेट्स हैव अ कन्वर्सेशन where terrorism is a case in point, जहाँ पे terrorism जो है वो एक case in point हो। सो ये वो बात कह रहे हैं। उन्होंने अपना एक जो जिसे कहेंगे ना मौकफ, उन्होंने बड़ा टका के दिया है वो कि terrorism, extremism and militancy is basically agenda of the SCO के एजेंडे के साथ है, transnational terrorism जो है। सो मेरा ख्याल है कि ये वो बात कह रहे हैं।